हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केरला पब्लिक स्कूल आवर टुडे टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वी आर सॉल्विंग दिस टॉपिक फ्रॉम क्लास नाइन्थ एंड दिस इज द एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू फ्रॉम एन सी एग्जाम्पलर बुक ओके एन बुक हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं तो एन सी बुक की फोर एक्सरसाइज है ही आज फोर पॉइंट वन एक्सरसाइज हम इससे पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं एक बार इंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिया गया है दैट राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर ओके हमें आंसर करना है ट्रू एंड फॉल्स में और हमें उसको जस्टिफाई भी करना है कि ट्रू अगर है तो क्यों है फॉल्स अगर है तो

और अगर ये सॉल्यूशन कहलाएगा इस लीनियर इक्वेशन का तो इसको इसको इस कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो हम क्या करेंगे एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू थ्री पुट करेंगे और चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता तो चलिए देखते हैं इक्वेशन था हमारे पास थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व ओके okay. और उसमें हमें एक्स का वैल्यू क्या पुट करना था हमें एक्स का वैल्यू पुट करना था जीरो और वाई का वैल्यू पुट करना था थ्री तो देखो बच्चे ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई जीरो प्लस फोर मल्टीप्लाई थ्री लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू पुट किया और इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई जीरो ये टर्म्स जीरो हो जाएगी और फोर मल्टीप्लाई थ्री कितना बनेगा प्लस ट्वेल्व सो तो एज यू नो आपके पास कितना बनेगा ये आएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई जो कि इक्वेशन था आपके पास इक्वल टू ट्वेल्व और हमारा भी सॉल्व होके कितना आया था हमारा जैसे आपने देखा थ्री इंटू जीरो तो जीरो बन गया था फोर इंटू थ्री कितना बना था ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व जो कि राइट हैंड साइड में ही आपको मिलता है राइट हैंड साइड के इक्वल है ओके तो आप कह सकते हैं कि जीरो कॉमन थ्री जो है वो किस पे लाई करता है इक्वेशन थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस Equal to 12 के ग्राफ पे लाई करता है इसका मतलब क्या क्या हुआ statement, true हो जाएगा statement. तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें क्या दिया गया है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस टू वाईज इक्वल टू सेवन पास थ्रू द पॉइंट जीरो सेवन ये भी बिल्कुल इसी तरह से ये ग्राफ अगर जीरो कॉमा सेवन से होके जा रहा है तो उस ग्राफ पे ये पॉइंट्स लाई कर रहा है और अगर ये पॉइंट्स उस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये इसका सॉल्यूशन होगा तो हम चेक कर लेते हैं इसको भी इक्वेशन है टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू सेवन और कोऑर्डिनेट है जीरो सेवन इक्वेशन था हमारे पास एक्स प्लस टू इक्वल टू सेवन और कोऑर्डिनेट था जीरो कॉमा सेवन ओके सो आपको इजीली पता चल गया होगा यहाँ पे एफ सी सा दैट मीन्स एक्स का वैल्यू जीरो है यहाँ पे ऑर्डिनेट दैट मीन्स वाई का वैल्यू कितना है विच इज सेवन तो देखो इसमें पुट करते हैं आप पुट करने पे हमें क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करना है तो जीरो प्लस टू ओके और जो किसके इक्वल आता है जीरो प्लस तो so, सॉल्व हो के हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो आया है वो आया है 14 लेफ्ट हैंड साइड से ही हम सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो किसके राइट हैंड साइड्स के इक्वल नहीं आता क्योंकि राइट हैंड साइड कितना था हमारा राइट हैंड साइड था हमारा सेवन गॉट इट तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो दैट्स व्हाई वी कैन से स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए वो क्या है वो है फॉल्स ये जो पॉइंट्स है 0,7 कोऑर्डिनेट जिसके हैं वो इक्वेशन x 2y 7 पे लाइन नहीं करता या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इक्वेशन 2x x, x 2y 7 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट 0,7 गॉट इट सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इन क्वेश्चन नंबर थर्ड लेट अस रीड व्हाट वी हैव हियर वी हैव दैट द गिवन ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो पूछा गया है कि क्या जो ग्राफ दिया गया है ये क्या इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं ठीक है देखो ध्यान से ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कोर्डिनेट्स जो हमारे सोल्यूशन इस इक्वेशन के बनेंगे अगर हम एक्स का वैल्यू देखो फोर पुट करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व होकर क्या आना चाहिए था फोर प्लस वाई इक्वल टू जीरो कॉटीज या फिर वाई का वैल्यू आ जाना चाहिए माइनस फोर इसका मतलब आप ये सोच लो कि हमारे पास जितने भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनेंगे उनको अगर हम ऐड करें क्योंकि एक्स प्लस वाई है आप देख सकते हो तो उनका सम जीरो आना चाहिए अगर जीरो आता है तो वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करेगा अदरवाइज नहीं करेगा तो सबसे पहला देखते हैं हमारे पास ये है थ्री माइनस थ्री थ्री तो इसमें x का वैल्यू कितना है माइनस थ्री और y का वैल्यू है हमारे पास थ्री सो माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल आउट हो गए क्या आ जाएगा जीरो क्योंकि एक दूसरे के क्या हैं ये एडिटिव इनवर्स हैं तो राइट हैंड साइड हमें जीरो मिला इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नेक्स्ट जो है हमें क्या दिया गया है नेक्स्ट है माइनस वन कॉमा वन सो माइनस वन कॉमा वन और इसमें भी जब आप ऐड करते हैं इनको तो माइनस वन प्लस वन का वैल्यू कितना आता है बच्चे जीरो क्योंकि माइनस वन और प्लस वन एक दूसरे का क्या है एडिटिव इनवर्स ओके थर्ड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट है और ओरिजिन पॉइंट्स में से वहाँ पे एफ सीसा और ऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू जीरो होता है तो अगर आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो प्लस जीरो कितना आएगा आपके पास जीरो तो ये भी राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो समझ आ गया होगा आप सभी को क्लियर है ना तो स्टेटमेंट क्या हुआ स्टेटमेंट हम कहेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है ओके बच्चे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फोर को अगर हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा गया द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू तो थ्री चेक द फिगर फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट टू फिगर ये है इस फिगर में अगर आप देखते हैं तो आपको दिया गया है कि एक्सजिकल टू थ्री जो है वो आपसे पूछा गया है कि ये लीनियर इक्वेशन एक्सीजिकल टू थ्री का ग्राफ है या फिर नहीं है एक्सिजिकल टू थ्री अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वन वेरिएबल में तो वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना होता है एक पॉइंट को गॉट इट समझ रहे हैं आप सभी लेकिन एक्सजिकल टू थ्री है और उससे होकर एक लाइन हो जा रखी है तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है सो so, आपने पढ़ा भी था प्रीवियस वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चंस ठीक है हमने सीखे थे एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू नाइन का हमने सीखा था एक्स इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट फाइव का हमने सीखा था ठीक है इक्वेशन ऑफ एक्सिस इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ओके इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरल टू एक्सिस इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरल टू वाई एक्सिस इस तरह से हमने सीखे थे तो इस के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ x इज टू थ्री है इसका स्टेटमेंट ट्रू है ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है इन टू वेरिएबल ओके क्वेश्चन नंबर फाइव लेट अस रीड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन द टेबल रिप्रेजेंट सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस ओके आपसे पूछा गया है कि uh, इसके जो कुछ सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं जैसे एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं वो इस इक्वेशन के कुछ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं सो so, कैसे चेक करना है बेटा इस तरह से चेक करेंगे हम वन बाय वन एक एक कोऑर्डिनेट्स लेंगे एक एफ और रेस्पेक्टिव ऑर्डिनेट का वैल्यू लेंगे जैसे एफ का वैल्यू अगर हम जीरो ले रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डिनेट का वैल्यू हम टू पुट करेंगे और चेक करेंगे एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई होता है इस कोऑर्डिनेट से या नहीं होता ठीक है तो देखते हैं चेक करके इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ओके और कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास जीरो कॉमा टू ओके इक्वेशन क्या था एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो देखो बच्चे इसमें ऑर्डिनेट का वैल्यू और एफ का वैल्यू ऑर्डिनेट का वैल्यू है हमारे पास टू और एफ का वैल्यू है जीरो एफ का वैल्यू होता है एक्स का वैल्यू और ऑर्डिनेट का वैल्यू होता है किसका बेटा वाई <coughs> का वैल्यू तो ये वैल्यू हम रेस्पेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे इक्वेशन का सो जीरो माइनस ऑर्डिनेट का वैल्यू है टू प्लस टू आप देख सकते हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया क्या है जीरो जो कि क्या है राइट हैंड साइड

और इसमें हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं कितना वन y का वैल्यू पुट कर रहे हैं थ्री और प्लस टू तो देखो वन प्लस टू कितना हो जाएगा आपके पास थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो ये भी कैंसिल आउट हो गया जीरो तो इसका मतलब ये भी एक कोऑर्डिनेट जो है वो इस गिवन इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस टू का एक सॉल्यूशन है अब इसी तरह से हम देखते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट टू और फोर को तो टू और फोर को हम देखेंगे टू माइनस वाई का वैल्यू है फोर प्लस फोर

सो थ्री प्लस फाइव एट एट प्लस टू कितना जीरो के इक्वल so नहीं आता है. इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है थ्री कॉमन फाइव ये एक सॉल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन का लास्ट देखते हैं फोर कॉमन सिक्स सो फोर माइनस सिक्स और प्लस टू क्योंकि एक्स का वैल्यू फोर था यहाँ पे हमने पुट किया एक्स की जगह वाई का वैल्यू हमें क्या मिला था सिक्स हमने यहाँ पे पुट किया और टू ये ऑलरेडी था ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं ओके सो so, आप देखो यहाँ से ये कितना मिलेगा आपको ये मिलेगा फोर प्लस टू कितना सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आपका कितना आ गया जीरो जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है ओके सो so, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये फोर कॉमा सिक्स जो है ये भी एक सॉल्यूशन है तो so, कौन सा है जो सॉल्यूशन नहीं बना वो है थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा माइनस फाइव ये कोऑर्डिनेट जो एक सॉल्यूशन नहीं बना इसका मतलब अब स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो आपसे पूछा गया है सिक्स क्वेश्चन में एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू नॉट रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा क्यों क्योंकि जो भी आप लीनियर इक्वेशन आप देखोगे और उसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो देखो लीनियर इक्वेशन अब जैसे कुछ भी रही हो ऐसे इसी को ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में जो था x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और इसके सॉल्यूशन जीरो कॉमा टू भी है वन कामा थ्री भी है टू कामा फोर भी है और फोर कॉमा सिक्स भी है तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं जब आप इनको ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद इनको जब आप ज्वाइन करते हो तो इनसे होकर एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी ओके okay. तो so, इसका मतलब जितने भी सॉल्यूशन है वो ग्राफ पे लाई like करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर सिक्स में दैट एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ जो भी पॉइंट्स है जो ग्राफ पे like करता है ऑफ अ लीनियर लीनियर इक्वेशन इक्वेशन इन इन टू टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स एक के ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स हैं ठीक है थीके? वो आपसे बोला गया डज नॉट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट नहीं करता सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है जो भी पॉइंट्स होगा ग्राफ पे वो हर एक पॉइंट जो है

वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा आपने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ भी कर लिए होंगे अभी तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है ओके सो ये एक्सरसाइज हमारी आज की फिनिश हो गई और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको जल्दी मिल जाएगी आप देखिए तब तक इनको सॉल्व करके कोशिश कीजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लिए जाए क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा उनमें से ये एम थे उनका रीजन हर किसी का बताना होता है जस्टिफाई करना होता है जबकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो ड्राफ ग्राफ ड्रॉ करने के हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑन द सेम कार्ड्स एंड प्लेट ठीक है तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप इसमें पढ़ेंगी मैं मोस्ट प्रॉबली आप इनको पढ़ चुके हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तब तक आप इस नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए रिवाइज कीजिए और जो डाउट्स हों उनको कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए थैंक यू